पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। हुकूमत और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही अपने अपने मौकफ पर डटे रहे। गवर्नर और स्पीकर ने आज पंजाब असम्बली के अलग अलग इजलास बुला लिए। किसका इजलास होगा? तमाम नजरें पंजाब असम्बली पर। परवेज इलाही की तरफ से बुलाया गया इजलास 1 बजे, जबकि गवर्नर पंजाब की तरफ से तलब किया गया इजलास 3 बजे वाने इकबाल में होगा। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी बजट पेश करें। गरीबों की ख्वाहिश पर पानी छोड़ने का प्लान। पंजाब में नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम बंद करने की तैयारियां। एहसास राशन प्रोग्राम बंद करने की सिफारिशात। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात 8 साल कर दी। जराए के मुताबिक प्रोग्राम के तहत विफाक अब तक पंजाब को 9 अरब रुपए दे चुका है। स्कूलों में जेर तालीम 14 लाख बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। हेल्थ प्रोफाइल में 14 लाख बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी का इंकशाफ। बच्चे आंखों, सांस, न्यूट्रिशन और गैर मयारी डाइट जैसी मसाइल का शिकार। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत कमजोर बच्चों को तिबी सहूलियात मुहैया की जाना थी। डॉलर की उड़ान मजीद बुलंद हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 206 रुपए पर पहुंच गई। महंगाई का जिन काबू में ना आया। मुल्तान में सब्जी और फल आम आदमी की पहुंच से दूर। लहसुन 300 और अदरक 320 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर और प्याज 80 से 100 फी किलो तक फरोख्त होने लगे। खुबानी 200 से 240 और आलू बुखारा 300 से 340 पर जा पहुंचा। मुल्तान में हज कॉम्प्लेक्स की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन जारी। आजमीन हज के लिए भरपूर इंतजाम। मुख्तलिफ बैंकों में मालूमती काउंटर और कोरोना वैक्सीनेशन कैंप कायम। डायरेक्टर हज रेहान खोकर के मुताबिक हज ऑपरेशन 26 जून से जारी रहेगा। अब तक मुल्तान से 8 परवाजें रवाना हो चुकी हैं। और खानेवाल यूनिवर्सिटी में तखलीकी मॉडल के हवाले से तकरीब। तलबा तालिबात ने मैथ के तखलीकी मॉडल्स तैयार करके तालीम की अहमियत को उजागर किया। इंतजामिया की जानिब से तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।